नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी क्वेरी आई थी कि सकुलेंट प्लांट है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा चलिए आज का वीडियो हमारा सकुलेंट प्लांट पर रखते हैं। तो आज मैं आपको 14 सकुलेंट प्लांट बताऊंगा जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और उनको ग्रो करना भी काफ़ी ईजी है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास मैसेज चला जाए। नंबर एक, हावोर्थिया। ये एक सकुलेंट हाउस प्लांट है। ये छोटे और स्लो ग्रोथ करने वाले पौधे होते हैं। इनकी ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, बस इनकी जो वाटरिंग है थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये बिना पानी के काफ़ी दिन तक रह सकते हैं। इसकी बहुत सी किस्में होती है जैसे लेमिफोलिया, जेब्रा कैक्टस, हावोर्थिया रेटूसा, कूपरी इत्यादि। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर गर्मियों में फूल भी आता है। इन सभी सकुलेंट की केयर के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि इनको कैसे हम इनकी देखभाल कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नंबर दो, इचेवेरिया। इचेवेरिया अमरीका, मेक्सिको और उत्तर पश्चिम दक्षिण अमेरिका के रेगिस्तानी इलाकों का मूल निवासी है। ये पौधा दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी भी बहुत सी किस्में होती है। इनकी पत्तियां रंगीन और आकृति बहुत ही सुंदर होती है। इसकी कुछ किस्में काफ़ी अच्छी है जैसे पीको की, इलेगाना रोज, रुन्योनी, तो ये काफ़ी खूबसूरत होते हैं। नंबर तीन, स्टेपेलिया। इसका नाम ही अजीब है, बाकी ये प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसके जो फूल है वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनके कुछ पौधों के फूल तो खिलने के बाद 16 इंच तक फैल जाते हैं। इसके फूलों पर हल्के हल्के बाल से होते हैं और इनकी कुछ किस्में ऐसी भी है जिनके फूल जब खिलते हैं तो उसमें बहुत ही बेकार सी भी स्मेल आती है, जबकि कुछ प्लांट ऐसे भी है जिनमें बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आती है। नंबर चार, सेडम। इसकी भी बहुत सी किस्में हैं। इनकी पत्ती जो है, इनकी पत्तियां पानी से भरी हुई रसीली सी लगती है। इनके फूल में आमतौर पर जो है 5 पंखुड़ियां आपको देखने को मिलेगी, कुछ में 4 या 6 भी हो सकती है। इसमें फायर स्टॉर्म, डोंकी टेल, स्टोन क्रॉप, इस तरह की किस्में काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये पसंद आती है। दोस्तों, जितने भी ये जो सकुलेंट प्लांट मैं आपको बताऊंगा ये नॉर्मल नर्सरी में आपको शायद नहीं मिलेंगे। आप इनको एक बार प्लांट बाय कर लेते हैं तो उससे आप काफ़ी प्लांट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नर्सरी में नहीं मिलते। फिर भी अगर आप बाय करना चाहें तो ऑनलाइन इनको बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नंबर पाँच, पोर्तुलका। ये पर्सलेन फूलों के पौधे परिवार से है। इनकी 40 से 100 प्रजातियाँ होती हैं। कुछ लोग इन्हें पर्सलेन भी कहते हैं, मेरे यहाँ इसको विलायती घास कहते हैं, जो मेरे यहाँ पे नॉर्मली ग्रो हो जाती है ये। इसके अंदर भी रंग बिरंगे फूल होते हैं, कुछ में छोटे होते हैं, कुछ में बड़े होते हैं। ये गर्म इलाकों में आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ गर्मी होती है तो यहाँ पे ये इजीली सर्वाइव करते हैं। और गर्मियों में इनमें ढेर सारे फूल आते हैं, पूरा जो प्लांट है फूलों से भर जाता है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इनको आप हैंगिंग पॉट में ग्रो कर सकते हैं, हैंगिंग पॉट आपका पूरा फूलों से भर जाएगा गर्मियों में, तो बहुत ही अच्छा लगता है गर्मियों में, काफ़ी अच्छा रहेगा। नंबर छः, जेड प्लांट। जेड प्लांट को और भी काफ़ी नामों से जाना जाता है, क्रेसुला ओवाटा, लकी प्लांट, मनी प्लांट। इसकी केयर भी बहुत कम करनी होती है और इससे क्या है, बहुत अच्छे बोनसाई बनते हैं। हमने भी एक दो प्लांट को बोनसाई ट्राई किया है, आपने देखा होगा हमारे वीडियो। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लीजिए कि जेड से हम बोनसाई कैसे बना सकते हैं। इनकी जो ब्रांच है वो थिक होती है और हमेशा हरी रहती है। इनकी पत्तियाँ मोटी होती है, पानी इनको कम देना होता है, धूप में इनको ज़्यादा रखिए तो जो प्लांट है काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊँ कि इनका जो सोइल है वो आपको कैसा लेना चाहिए। नंबर सात, पेंडिलेथस। ये एक सकुलेंट प्लांट है जो आपको हर गार्डन में मोस्टली देखने को मिल सकता है और ये इजी टू ग्रो है। इसकी आप ब्रांच तोड़कर कहीं भी लगाएंगे तो लग जाती है। ये पूरा ग्रीन होता है, यानी इसकी स्टेम भी ग्रीन रहती है और जो पत्ती हैं वो भी ग्रीन होती है। एक ये दूसरा इसकी जो वैरायटी है वो वेरीगेटेड होती है, लेकिन उसकी भी जो स्टेम है वो ग्रीन ही होती है। नंबर आठ, कालंचो। ये एक फूल देने वाला सकुलेंट प्लांट है जिसको आप बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसको फुल सनलाइट में रखिए और इसमें इस टाइम पे जो है फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी जैसे स्टार्ट होगी इसके अंदर फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लगभग 25 से ज़्यादा किस्में होती है। ये लाल, पीले, ऑरेंज और भी काफ़ी कलर के होते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर जो प्लांट देखा जाता है वो रेड कलर का जो होता है वो देखा जाता है, जिसपे लाल रंग के फूल होते हैं, गुच्छे में आते हैं वो। ये आपको मोस्टली सभी नर्सरियों में ईजिली मिल जाता है
या फिर आपको कहीं अपने फ्रेंड के यहाँ पे देखे तो आप वहां से भी इसकी कटिंग लाकर लगा सकते हैं। नंबर 9, क्रेसुला कैंप फायर। ये भी एक सकुलेंट प्लांट है और इसकी पत्तियां जो है वो बेहद खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। ये 6 इंच लंबा और 3 फुट चौड़ा हो सकता है, यानी कि ये 3 फीट चौड़ाई तक फैल जाता है अगर आप इसको लगाते हैं तो। इसमें अगर आप ज्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती है। नंबर 10, गोल्डन ओगोन। ये एक सेडम की वैरायटी है। इसके पत्ते बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये ग्राउंड कवर करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, और आप चाहें तो इनको पॉट में लगा सकते हैं। सर्मिक पॉट में लगाकर आप टेबल पे रख सकते हैं, आप ऑफिस में रख सकते हैं, तो ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके जो फॉलेज हैं वो ब्राइट गोल्ड कलर के होते हैं, इसलिए इसको गोल्डन ओगन बोलते हैं। नंबर 11, होया केरी। इसको स्वीट हार्ट भी बोलते हैं। दोस्तों, वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा है और इस दिन के आप भी किसी को अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही स्पेशल है। एक्चुअली में इस प्लांट की जो शेप है वो दिल जैसी होती है। ये होया नेटिव की प्रजाति है, कुछ लोग इसे वैलेंटाइन होया के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये प्लांट नॉर्मल नर्सरी में आपको नहीं मिलेगा। ये या तो कोई स्पेशल जो सुकुलेंट प्लांट बेचता है उनके पास मिलेगा, या फिर आपको ऑनलाइन लेना होगा। इसलिए लोग इसे ऑनलाइन खरीद कर वैलेंटाइन डे वाले दिन अपने साथी को जो है गिफ्ट करते हैं। अगर आप भी इसको खरीदना चाहें तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं या अपने नजदीक के किसी नर्सरी स्टोर से पता कर लीजिए। नंबर 12, पचवेरिया प्लांट। ये एक हाइब्रिड सकुलेंट है। ये 2-3 इंच तक ग्रो होता है। इसके बीज जो बाकी किस्में हैं जैसे पचवेरिया बी, माइटिला, क्लाविफोलिया और ये सारी इसकी जो किस्में हैं वो बहुत खूबसूरत है, और भी इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी जो है वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। स्ट्रिंग ऑफ बनाना और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये दोनों एक जैसे ही प्लांट्स लगते हैं, सिर्फ इनकी जो शेप है वो अलग होती है। जो बनाना होता है उसका शेप जो है बनाने के जैसे होती है, जो पर्ल होता है उसकी शेप जो है पर्ल की जैसी होती है, और ये लटके हुए होते हैं। ये सकुलेंट हैंगिंग पॉट के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये हैंगिंग पॉट में अगर आप डालेंगे तो ये लटक जाते हैं नीचे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि इनकी जो एक लड़ी सी जो होती है वो तोड़कर अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पे इनके जो रूट्स है वो आ जाती है, या आपने अगर पॉट में लगा रखकर इसकी जो ब्रांच जहाँ पे भी टच होती है वहीं पे इसकी रूट्स चल पड़ती है, तो वहाँ से कट करके भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इनको ग्रो करना ही है, लेकिन इन सभी प्लांटों के अंदर पानी का थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी देने से ये सड़ जाते हैं। नंबर 14, एलोवेरा। एलोवेरा को ग्वारपाठा भी कहते हैं, मेरे यहाँ पे भी इसको ग्वारपाठा ही कहा जाता है। ये एक औषधीय पौधा है और ये काफ़ी समय से इसको जो है औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा एलोवेरा से काफी चीजें बनती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं इसके, और जो दवाइयां हम लेते हैं उनमें भी होता है, एलोवेरा जूस भी मिलता है, तो काफी चीजें होती है। इसका उल्लेख जो है आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलेगा आपको, और इनकी जो है खेती की जाती है, इनकी ज्यादा केयर की आपको जरूरत नहीं होती, और मोस्टली ये लगभग सभी घरों में आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ सकुलेंट प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं जो आप ग्रो कर सकते हैं। इनको आप इनकी पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्लांट ही नहीं है तो आप नर्सरी से पता कीजिए। आपके आसपास अगर कोई सकुलेंट प्लांट बेचने वाली नर्सरी है तो वहाँ पे ये आपको मिल सकते हैं। इनमें से कोई प्लांट अगर ना मिले तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपको ये प्लांट चाहिए, तो वो आपको लाकर दे सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्लांट्स नहीं मिलते हैं तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन जो ऑनलाइन का, जैसे कि मैं बताता हूँ कि लास्ट ऑप्शन आप ऑनलाइन का रखिए। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन इनके प्लांट्स ही लेने हैं, आप इनके सीड्स भी ले सकते हैं, इनके सीड्स भी मिल जाते हैं, तो आप प्लांट्स या सीड्स इनके ऑनलाइन बाई करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मैं इन दोनों के जो लिंक है वो नीचे दे दूंगा, सीड्स के भी और प्लांट के भी, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए सोइल कैसा लें। तो देखिए, इसके लिए वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, बजरी यानी कि जो रिवर सैंड होती है वो, और कंपोस्ट मिलाकर। अगर आपके पास कुछ कंकर मिल जाते हैं छोटे तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मैं आपको मेथड बताता हूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो रिवर सैंड और कंपोस्ट मिला लीजिए, और कुछ कंकर हैं तो वो मिला लीजिए, और इसको मिक्स करके इसके अंदर आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। इससे ये कि वेल ड्रेन सॉइल आपका बन जाएगा, जैसे ही पानी देंगे पानी नीचे निकल जाएगा, क्योंकि पानी अगर खड़ा रहेगा तो प्लांट आपका जो है वो सड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि सॉइल आपका वेल ड्रेन होना चाहिए। और आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं और आपके पास टाइम नहीं इन सब चीज़ों के लिए, तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इनका जो बना हुआ मिक्स सॉइल है वो आ जाता है, यानी कि आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ उसके अंदर प्लांट लगाना होगा। उसके अंदर सारी चीज़ें पहले से मिक्स होती है और वो सकुलेंट प्लांटों के लिए बेस्ट होता है, उसमें आपके प्लांट जो ख़राब नहीं होंगे। तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप जो बना हुआ जो सॉइल मिक्स है सकुलेंट का वो ले सकते हैं।
दोस्तों आपका जो फेवरेट सकुलेंट प्लांट कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके पास कौन कौन से सकुलेंट प्लांट है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखिए। शुक्रिया।